नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर बिजनौर से है, जहां पूरा मामला चांदपुर के ग्राम हीमपुर बुजुर्ग से सामने आया है, जहां आज मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। बिजनौर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी चांदपुर अवगत कराना है कि आज दिनांक 8/3/2024 को थाना चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव हीमपुर बुजुर्ग में दो बच्चों के मध्य झगड़े की वीडियो वायरल हुई। उक्त संबंध में यह बताना है कि उक्त गांव में हुई मारपीट के संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विभिन्न टीमें गठित की गई हैं, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? हीमपुर बुजुर्ग। आज यहाँ अस्पताल पे क्यों आए भैया? तो कुछ दबंगों ने हमारे साथ लाठी डंडों से घर में घुस के मारपीट करी, बहन पे उसे छेड़खानी करी। चाचा की हमारे बिल्कुल सीरियस है, याददाश्त खो चुके, कुछ नहीं पता। इमरजेंसी में उनको रेफर करा जा रहा है, कुछ नहीं है उनके अंदर। किन किन लोगों ने मारपीट की? वे नौशाद है, शहजाद है, सुलेमान है, भूरा है, दिलसाद है, बहुत सारे कुछ और भी थे, लगभग 40-50 आदमी थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं और हमारी चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया, हम इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आज थाने आए, क्या मामला है? हमारे साथ मारपीट करी, हमारे घर में बढ़कर मारा, बालकों को लड़कों को भी छेड़छाड़ करी। किन लोगों ने मारा? ग्रामीणों के लिए